सिग्निफिकेंस भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने वर्ल्ड कप ही कैरिबियन में खेलना है, यूएस में खेलना है, लेकिन हम उससे बिल्कुल पहले यहाँ इन कंडीशंस में सीरीज रखी है, उससे क्या सीखेंगे हम, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी इंग्लैंड में आयरलैंड में जब हमने मैचेस खेले हैं। बट नाउ व्हाट डू यू थिंक वी कैन गेट आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप? देखिए, एक तो ये कि पहला मैच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक टीम अपनी अनाउंस नहीं की। तमाम टीम्स ने, तमाम कंट्रीज ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की। तो क्योंकि 25 मई से पहले चेंजेस हो सकती हैं, तो पाकिस्तान अभी भी कुछ चेंजेस कर सकता है। जो आईसीसी को पाकिस्तान ने टीम, वो जो एक सीक्रेट इनवेलप पाकिस्तान ने दिया हुआ आईसीसी को, उसमें अभी भी चेंजेस हो सकती हैं। तो जो पहला T20 है वो तो इंपॉर्टेंट होगा, उसमें जिस प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया वो आ सकता है, जिसने ना परफॉर्म किया वो बाहर भी हो सकता है। जहां तक बात है सिग्निफिकेंस की, तो आई थिंक के कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत देर के बाद ऐसा होगा कि पाकिस्तान किसी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलेगा। वरना नॉर्मली अभी जिस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी तो वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। आयरलैंड इवन दो के फुल स्ट्रेंथ थी, बट एक लो रैंक टीम है। तो एक बहुत टफ जो है ना वो सीरीज पाकिस्तान को बहुत देर के बाद जो है वो खेलने को मिल रही है। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था, एक वो शायद थोड़ी सी एक सीरीज मुश्किल थी और पाकिस्तान 4-1 हार गया था। तो अभी आप देखेंगे इंग्लैंड के वो प्लेयर्स जो कि आईपीएल में खेल रहे थे, उनको भी बोल दिया गया कि भैया वापस आ जाए और आपने जो है वो सीरीज खेलनी है, ताकि उनकी भी वर्ल्ड कप की तैयारी हो। तो व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी वापस आ जाएंगे, और जो इंग्लैंड के जो सारे जो उनके की प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक कि वो वर्ल्ड कप की एक अच्छी प्रेप होगी पाकिस्तान की। जो आपके प्लेयर्स हैं, जब उनको एक टफ टाइम मिलेगा तो वो जब चैलेंज होंगे तो उनको भी ये आइडिया होगा कि अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो कितने पानी में हैं। क्योंकि बाज़ अवकात जब आप लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपकी कई चीजें जो हैं वो हाईलाइट नहीं होती। तो आई थिंक वर्ल्ड कप की प्रेप, बेशक कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन कई चीजें जो है ना वो आपकी इसमें हाईलाइट होंगी। कुछ प्लेयर्स एक्सपोज भी हो सकते हैं, कुछ प्लेयर्स को फायदा भी हो सकता है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये 4 मैचेस होंगे।